कराची समेत सिंध भर में सिंध की सकाफत का दिन जोशो जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में इस तरह से हमने देखा कि इस वक्त सकाफत का दिन भी मनाया गया और बच्चों ने खसूसी तौर पर, हम बात करें बड़े हों या फिर खवातीन हो, सब ने पार्टिसिपेशन की। सकाफत का दिन, सिंधी टोपी और अजरक की बहार, मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान टोलियों की शक्ल में कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए। दिन भर प्रेस क्लब के बाहर जश्न का समा रहा। नौजवान लोग फनकारों के गानों पर रक्स करते रहे। खवातीन, बच्चे, नौजवान सभी सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सकाफती दिन मनाते रहे। सिंध पुलिस के हेडक्वार्टर में भी तकरीब हुई, जिसमें आईजी सिंध ने शिरकत की और सकाफती दिन की मुबारकबाद दी। अजरक और टोपी की एक तो सामने है कि शिनाख्त है कि दूर से आ जाएगा सिंध वासी है, उसने अजरक पहनी है या उसने टोपी पहनी है तो वो सिंध वासी है। अमेरिकी कौंसल खाने के तर्जुमान हैदर मर्फी ने कल्चर डे पर मुबारकबाद दी। सब ने के सिंध सकाफत जो देहान मुबारक हो जाए, लक लक तोरा। जर्मन कौंसल जनरल ने सिंध के सकाफती दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा, सिंध सूफियों और शोरा की सरजमीन है। A land of mystics, Sufis, poets and saints. The people of this province created an inclusive and vibrant society, one I am thrilled to be a part of. सिंध के सकाफती दिन के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी भरपूर शिरकत की गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ कामरान सोहेल, न्यू न्यूज़ कराची।